हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल निर्मल आर्मी पे स्वागत है। सो दोस्तों, होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज हम आए हुए हैं सैनीवास धाम, जो कि बुल्ट वाले बाबा जी के नाम से जाने जाते हैं। सो दोस्तों, यहाँ की मतलब बहुत अनोखा चमत्कार यहाँ का है। यहाँ पे लोग बहुत लोग आते हैं, मतलब ये लगा लो आप 50-60 हजार की तादाद में लोग आते हैं, सिर्फ अपनी समस्याओं को लेकर, बीमारियों को लेकर, भाई हमें ये बीमारी है जी, और लगभग ठीक हो रहे हैं। सो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। मैं थोड़ा सा आपको लोकेशन बता देता हूँ। ये जो सैनीवास धाम है, आप गूगल मैप पे भी सर्च कर सकते हो, सैनीवास धाम के नाम से आएगा, जो कि इनकी एग्जैक्ट लोकेशन है। बुल्ट वाले बाबा जी जो हैं, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पे उनका धाम है। तो दोस्तों, आप उससे भी जा सकते हैं, और जिन भाइयों को जीपीएस नहीं चलाना आता तो मैं बता देता हूँ आपको, कैथल से जो ये सालासर रोड जा रहा है, इसी रोड से शिवानी निकल के थोड़ा सा आगे जाके आपको राइट साइड पे एक बोर्ड नजर आएगा जिसपे लिखा होगा ओम बन्ना जी। तो दोस्तों, वो रास्ता बिल्कुल वहीं सैनीवास धाम की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों, आप सब वीडियो में बने रहिए, वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। मैं वीडियो में आपको दिखाता हूँ वहां का दृश्य। आने वाले राज्य भक्तों ने दावा किया कि संसद को सेवा करके बाबा सत्यनारायण के आशीर्वाद से हर बीमारी हर असाध्य रोग को भी संतों में निवारण मिलता है। हम नए द्वारा आने वाले राज्य भक्तों ने दावा किया कि बाबा सत्यनारायण के आशीर्वाद से हर बीमारी हर असाध्य रोग को भी संतों में निवारण मिलता है। प्रत्यक्ष भगवान की जरूरी है, वो जाके भी सरकार लाया देते हैं कि और सुपर संसद के 70% के साथ हमारे संकल्प धाम में पहुंचे हुए हैं। आज जितनी शांति श्रद्धा बनाए के बैठे हुए उतने धन और उन्होंने ज्यादा आपको गुरुजियों के आशीर्वाद का बेनिफिट आपको मिलेगा। ये ऐसे कुछ माता बहने हैं जो ऐसे दिमाग में दम मत रखना, कुछ माता बहन कुछ सरकार उठाए वास्ते मन में काम मत लाना कि बालाजी मंदिर वाली हमें की दफ्तर के सामने भेड़ बनाने से हमें फायदा होगा। अगर हमें फायदा होगा तो आप अपने घर में कैसे व्यक्ति का विश्वास होता है, किसी को फायदा होगा जो घर का हमारे स्वागत किया जाए। ये भाई वर्ण जितने भी श्रद्धालु हैं जहाँ पे आपको जगह मिलती वहीं पे बैठ जाएगी, तो बैठ जाओ तो बैठ के आशीर्वाद लें, खड़े होकर कोई भी आशीर्वाद नहीं लें, बैठ जाओ आप यहीं बैठ जाओगे, बैठ जाओगे अगर फिर बात में चले। दोस्तों, वीडियो में आप सभी ने देखा है कि कैसे मतलब कितनी वहां पे संगत आई हुई थी। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग वहां से ठीक होके जा रहे हैं। दोस्तों, अपनी जो जुबानी बताते हैं वहां के, मतलब किसी को तो पहले जाड़े में बिल्कुल आराम हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहां पे जाड़ा मंगलवार सुबह लगता है और शनिवार को भी सुबह लगता है, सुबह भी लगता है, दोपहर में लगता है, शाम में भी लगता है, तीन टाइम जाड़ा लगता है। तो दोस्तों, आप आराम से जा सकते हैं, बाय बस भी जा सकते हैं, काफी बसेज वहां जाती रहती हैं। तो दोस्तों, होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।